इंद्र जय भोलेनाथ दोस्तों, आज 19 तारीख है, मंगलवार है। कहाँ गया? 7:43 हुई, 7:43 AM, और SGX निफ्टी कुछ 100 पॉइंट माइनस है। देख लेते हैं, डाउ फ्यूचर्स 40 पॉइंट ऊपर है, SGX निफ्टी 114 पॉइंट माइनस है, 176। ठीक है, तो लेट मी टॉक। तो जैसा कल मैंने आप लोग को एकदम क्लियर कट डायरेक्शन बताया था कि आज एक गिरावट वाला दिन होगा, लेकिन वहाँ पे बाइंग करके आज से ही रिवर्सल हो सकता है। मुझे लगता है जैसे देखिए, कल मैंने साफ बोला था आपको, ड्यूरिंग द मार्केट भी बोला था, आज सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करिए, कल हम फ्रेश खरीदारी करेंगे। हमारा टारगेट वही है, 16,400 टू 500, और हो सकता है 550 भी आ जाए इसी वीक में, फ्राइडे तक। तो कल का दिन हमारा सुपर हिट गया, क्योंकि कल हम बोले थे कल प्रॉफिट बुकिंग का दिन हमारा, और मैंने साफ शब्दों में बोला था कल गिरावट है। ठीक है, तो आज की गिरावट मिल गई, तो ये हमको एडिशनल 100-125 पॉइंट का बेनिफिट हो गया, हो सकता है 150 भी गिर जाए। अब यहाँ पे खरीदारी कहाँ करना है, आपको खरीदारी करना है आज का दिन में कहाँ करना है। देखिए, दो लेवल मेरे जहन में आते हैं। एक आता है 16,138, जो कि 50 EMA है इसका, वहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है 16,138 पे, और अगर उसके नीचे फिसलता है तो 16,040। ये दो लेवल है, 16,040 वाला तो मुझे कम चांस लगता है आने का, लेकिन नकार नहीं सकते मार्केट को, है ना। मगर 16,138 एक ऐसा जोन है जहाँ पे हम बाइंग करना चाहिए हमको, क्योंकि अगर वो 16,040 वहाँ से जाता भी है तो कल तो तेज हो ही जाएगा वो, आज हो या नहीं हो तेजी आपको आनी है। इसी वीक में हम 16,400-500 भी दिखेंगे, और मुझे तो दबे दबे शब्दों में लगता है कि मार्केट 16,800 भी जा सकता है। तो ये है मार्केट की कहानी, सिंपल। आज सुबह मैं आपको इतना ही बताने के लिए आया हूँ, ज़्यादा और थोड़े लाइक्स कम आ रहे थे तो उसका भी शिकायत है, देख लीजिएगा, दुरुस्त कर लीजिए इसको। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।